वेलकम टू टेक वर्ड चैनल दोस्तों, टॉप ब्रांड स्मार्टफोन के लीक्स सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज मैं बात करूंगा दुनिया का सबसे पहला अंडर डिस्प्ले कैमरा स्मार्टफोन के बारे में और Xiaomi के अंडर डिस्प्ले कैमरा स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, मार्केट में अंडर डिस्प्ले कैमरा स्मार्टफोन जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ZTE कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो दुनिया की पहली कंपनी होगी जो अंडर डिस्प्ले कैमरा स्मार्टफोन कस्टमर तक पहुंचाएगी और ऐसा अगले ही महीने में होने वाला है और इसकी लॉन्च डेट है 1 सितंबर। फिलहाल अंडर डिस्प्ले कैमरा से उतनी अच्छी पिक नहीं ली जा सकती है और वो थोड़ी सी ब्लर देखने को मिलती है। अब देखना यह है कि ZTE स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा अच्छी क्वालिटी की पिक क्लिक कर पाता है या नहीं। लेकिन हाल ही में Xiaomi ने अपने अंडर डिस्प्ले कैमरा के कुछ सैंपल्स रिलीज किए हैं जिनमें अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है और Xiaomi का कहना है कि अगले साल के शुरू में ही अंडर डिस्प्ले कैमरा स्मार्टफोन का बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करेगी। ये अंडर डिस्प्ले कैमरा 3rd जनरेशन का है और इससे पहले के फर्स्ट और सेकंड जनरेशन टेस्टिंग में थे। और Xiaomi ने एक पिक भी रिलीज की है जिसमें फर्स्ट जनरेशन और 3rd जनरेशन अंडर डिस्प्ले कैमरा सैंपल को कंपेयर किया है। राइट साइड में पिक बहुत ही अच्छे कलर और शार्पनेस के साथ है। Xiaomi का कहना है कि Xiaomi ने नया पिक्सल अरेंजमेंट सिस्टम बनाया है जिससे इनफ लाइट डिस्प्ले के अंदर से कैमरा तक पहुंच सके और पिक अच्छी ली जा सके। अगर ये राइट साइड पिक अंडर डिस्प्ले कैमरा से ली गई है तो Xiaomi ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और उसका पिक्सल अरेंजमेंट भी फ्रंट कैमरा को डिस्प्ले के अंदर से हाइड करने में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी तक जो कैमरा इम्प्लीमेंट हुआ है उसको आप कुछ लाइटिंग कंडीशन में आसानी से कैमरा को स्क्रीन के अंदर से देख पाओगे, लेकिन Xiaomi के इस नए पिक्सल अरेंजमेंट से आप कैमरा डिस्प्ले के अंदर से नहीं देख पाओगे और ऐसा लगता है कि ZTE अपने अंडर डिस्प्ले स्मार्टफोन को केवल चाइना में ही लॉन्च करने वाला है। दोस्तों पहले भी हमने एक वीडियो में बताया था कि Samsung Galaxy S21 में अंडर डिस्प्ले कैमरा सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह टेक्नोलॉजी काफी महंगी है और Samsung अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में यह अंडर डिस्प्ले कैमरा सिस्टम लेकर आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही कुछ था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।